जानकी चांपा जिले के लोगों को जीवन यापन में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए समाज के कई लोग मदद कर रहे हैं। जिले के शक्ति क्षेत्र में युवा मित्र मंडल ने ये जिम्मेदारी उठाई और जन सहयोग से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री के पैकेज तैयार कर जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। लोग भी बढ़ चढ़ कर उन्हें अपना सहयोग दे रहे हैं। में जहां कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं, देश भर में जो है लॉकआउट की स्थिति है, वहीं जांजगीर चांपा जिले के शक्ति नगर में कुछ युवा वर्ग ऐसे हैं जो गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। जो जरूरत की सामग्री है वो उनके द्वारा जन सहयोग से इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जानते हैं किस प्रकार इनके द्वारा काम किया जा रहा है और कितने लोग की इनकी जो टीम है, जानते हैं इनसे। जी, आपके द्वारा जो ये जन सहयोग का काम किया जा रहा है, लोगों तक जरूरतमंद सामग्री पहुंचाई जा रही है, कितने लोग आप सब मिलकर कर रहे हैं? ये हम लोग की कम से कम 20 से 22 लोगों की टीम है और जो हमेशा समाज से ही काम में आगे रहते हैं। और अभी जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है तो हमको आभास है कि किस तरह से आपातकाल की स्थिति आ सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मित्र मंडल जो है वो पूरी तरह से राशन सामग्री एकत्रित कर रही है, लोगों से चंदा ले रही है, जितना भी जिससे सहयोग हो रहा है और हमसे भी इतना बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं और एकत्रित करके हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं राशन सामान की। देख रहे हैं कि काफी मात्रा में यहाँ जो है पैकेट तैयार कर लिए गए हैं। जानते हैं इनसे कि क्या क्या सामान इसमें दिए जा रहे हैं जो जरूरत के सामान है। ये भैया क्या क्या इसमें सामान डाल रहे हैं आप? भैया इसमें 5 किलो चावल है, आधा किलो शक्कर है, आधा किलो दाल है, लगभग इसमें एक दो दैनिक जरूरी चीजें होती हैं, लगभग में सब सामान दिया जा रहा है। पैकेट जिसको भी मिलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक हफ्ते वो लोग निश्चिंत रहेंगे। इसमें बच्चों के लिए बिस्कुट भी है, मैगी भी है, साबुन भी, हल्दी, मिर्चर, तेल सब है। मतलब इसको एक आप कम्प्लीटली फैमिली पैकेज बोला जा सकता है इसको। और हमको इस काम की बहुत तारीफ मिले, सराहना मिल रही है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री